बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ जोनिया जुगनू रैप रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और इसकी सॉस बड़ी ज़बरदस्त है और बिल्कुल क्विक जो रेसिपी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं चिकन की फिले बनाऊँगी। जो इसका मतलब रोटी है, फिले है, वो थोड़ा सा मैंने मोटे साइज़ का लेना है। ये 350 ग्राम मैंने चिकन लिया है। चिकन ऑलमोस्ट मेरी कटिंग हो गया है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब मैं इसकी करूँगी मैरिनेशन। चिकन जो है वो इस शेप में होना चाहिए। अब मैं इसको मैरिनेशन इसकी करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर, 1/2 लेमन। अगर आप इसमें विनेगर डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, या विनेगर 1 टीस्पून डाल लें या फिर 1/2 लेमन, लेकिन लेमन ज़्यादा टेस्टी होगा। 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। हाथ के साथ ज़रा करूँ ताकि मसाला जो है अच्छी तरह चिकन में रच जाए। आप अगर चिकन ज़्यादा ले रहे हैं तो जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाली हैं, सॉस डाली है, आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब मैं तकरीबन इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेशन होने के लिए रखूँगी। पहले मैं जो इसमें सॉस यूज़ होनी है मैं वो बनाऊँगी। ये तकरीबन 5 टेबलस्पून मायनीज़ है और अब इसमें डाल दूँगी 3 टेबलस्पून दही। हाफ टी स्पून कुटी सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद पिसी हुई मिर्च, और 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च के बाद 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हॉट सॉस। इसके साथ जो सॉस है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी अब चिली सॉस।
अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। टीस्पून पेपरिका पाउडर, आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है कि जो सॉस है सब चीज़ें भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और सॉस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। दही को आप पहले फेंट के अच्छी तरह, फिर आप इसमें जो है वो मिक्स करें। चलें, सॉस मेरे बिल्कुल रेडी है, टेस्ट इसका इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होगा। चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है और अब मैं इसे फ्राई करूंगी और फ्राई करने से पहले अंडे की और ब्रेड क्रम्स की जो है वो मैं कोटिंग करूंगी। कुछ पीस पहले मैं कर लूँगी उनकी कोटिंग, फिर मैंने फ्राई करती हूँ। चिकन को अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो गई है, अब मैंने फ्राई करूँगी। अब मैं इन्हें थोड़ा सा साइड से फ्राई हो गया तो फिर इसकी मैं साइड चेंज करूँगी, वरना जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बिल्कुल जो है वो फिर से उतर नहीं सकते हैं। चिकन को मैंने फ्राई किया है और अब मैं इसे रीफ्राई करूँगी, इससे जो चिकन का जो टेस्ट भी और जो इसकी लुक है वो बड़ी ज़बरदस्त आएगी। रीफ्राई कर चुकी हूँ, अब मैं इसे निकाल लूँगी। चिकन रीफ्राई हो चुका है, इस तरह ही मैं सारा चिकन फ्राई कर लूँगी और फिर बाद में मैं इसका जो है वो रैप तैयार करूँगी। जो रैप तैयार करूँगी उसके लिए ये डॉटियर रैप है और ये आपको किसी भी स्टोर से मिल सकता है और इसकी जो रेसिपी है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं दूँगी, और क्योंकि मैं डिफरेंट जो रैप है वो मज़ीद तैयार करूँगी तो फिलहाल जो है मैं इसी के साथ जो है वो तैयार कर रही हूँ रैप। तवा जो है वो गर्म हो चुका है और इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, पहले मैं ये साइड से करूँगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा पकी हुई साइड है, इसको मैं गर्म करूँगी। बस इसको गर्म करना है क्योंकि ये पकी तो ऑलरेडी है। मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और साथ ही जो फ्लेम है मैं ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि तवा जितना मुझे चाहिए नॉर्मल सा वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी। मेरी सॉस का कलर बड़ा ज़बरदस्त पिंक सा आया हुआ है, पता नहीं क्यों वीडियो में सही नहीं आ रहा। सॉस अच्छी तैयार होगी तो भी आपका जो ये रैप है वो अच्छा तैयार होगा, यानी टेस्टी। अब इसके ऊपर मैं चिकन रखूंगी।
अब इसके ऊपर मैं चीज़ डालूंगी, ये चेडर चीज़ है, चीज की बाद में फ्राइज रखूंगी इसके ऊपर। ये फुल रेसिपी जो है जोनियन जुगनू की है, ये बंद गोभी है, अब इसमें मैं डालूंगी हैलापिनो, ये ऑयल लीव्स, ये स्वीट कॉर्न्स, अब मैं इस पर डालूंगी मेयोनेज, जो सॉस थी इसकी मैंने तैयार की थी वो डालूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा इस पर मैं हॉट सॉस डालूंगी, चलें जी अब हमारा रैप जो है वो तैयार हो रहा है, तकरीबन तैयार हो ही चुका है। जूनियर जुगनू का रैप जो है बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। रैप जो है वो तो वैसे ही होता है जैसे मैंने आपके सामने फोल्ड किया था, लेकिन जस्ट आपको इसकी लुक दिखाने के लिए जो है मैंने दरमियान से कटिंग की है, तो वैसे भी शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक जो होता है वो दो बंदों के लिए मेरे ख्याल काफ़ी होता है। तो एंड पे यही है कि मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।